खबर महासमुंद जिले से है, जहां पिथौरा क्षेत्र के किसान और पटवारियों के रवैये से परेशान होकर सांकेतिक धरना दिया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पिथौरा के पटवारी डायमंड साहू और कमलेश डहरे के खिलाफ किसानों ने आरोप लगाया है कि पटवारी किसानों से काम के एवज में मोटी रकम की मांग करते हैं, साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड को पटवारियों द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है। किसानों ने कहा कि अगर पटवारी अपने नवीन पदस्थापना में नहीं जाते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी पटवारियों की होगी। पटवारी में बहुत पैसा लेते थे। कौन कौन पटवारी मन पैसा लेते? डायमंड पटवारी और डहरे पटवारी। तो क्या मांग है आप मन की? मांग है ये मन हटा के देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार गरीब किसानों के हित के लिए पिछले 4 साल से काम कर रही है, लेकिन जस्ट इसके विपरीत गरीब किसानों से पैसे की मांग डहरे पटवारी और डायमंड पटवारी पिछले कई दिनों से कई सालों से यहाँ पर पदस्थ है और कर रहे हैं। और 1000-2000 नहीं, इन लोग लाखों के लाखों रुपए, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50 हजार ऐसे मांग गरीब किसानों से कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के किसान त्रस्त थे और ये आक्रोश बहुत बढ़ता जा रहा था। उस आक्रोश को देखते हुए अनुभागीय अधिकारी ने इनका हल्का परिवर्तन कराया है, लेकिन इन पटवारियों ने अपने संघ के दबाव में उस परिवर्तन को रोक लगा के अभी तक रखे हुए हैं। आज दिनांक तक कोई रोक नहीं हुआ है, उनका रिलीफ नहीं हुआ है। इसी को मांग के लेकर जनता जो है यहाँ पर उतरी है और आने वाले दिनों में अगर ये मतलब 16 तारीख तक अगर लीड नहीं होता है तो 17 तारीख को राष्ट्रीय राजमार्ग चक्का जाम किया जाएगा।